मेरे नाम से मैं हूँ फरीद मोहम्मद और आज हम मोमिनपुरे के डोबी नगर में है। यहाँ पर एक समस्या अनपड़ी है, यहाँ के मकान टूटने वाले हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑर्डर आए हुए हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। कितने लोगों को नोटिस मिला है यहाँ पे? 276 लोगों। यहाँ पे टोटल कितने मकान है? मकान तो 2000 से ज्यादा है, 2 से 3 हजार मकान है और लगभग 35,000 के ऊपर की अगानी आबादी है। डोबी इलाका जो है आप लोग जानते हो शहर का एक घना इलाका है, जहाँ पर लोग अलग अलग जाति कौम के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज ही यहाँ पर है, कई लोगों को ये गलत नहीं है कि सिर्फ इस इलाके के अंदर मुस्लिम समाज ही रहता नहीं है, यहाँ पे हिंदू भी रहता है, यहाँ पे दलित भी रहता है, यहाँ पे मुसलमान भी रहता है। ठीक है, ऐसे कई परिवार है, ये लोग ईद है या ईद रहे मिलजुल के मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता का एक कहीं ना कहीं जीता जाता उदाहरण है हमारी डोबी बस्ती। सर आप बताइए यहाँ पे इनके कामकाज क्या है और अगर ये मकान टूटते हैं तो इन लोग का क्या हाल हो सकता है? यहाँ पे जो लोग हैं ये गरीब वर्ग के लोग हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं। ये कैसा है, रोज सुबह उठ के जाते हैं और सुबह कमा के लाते हैं तो अपने घर को चलाते हैं। अब इनके अगर तुम सहारा छीन लोगे, इनके घर पे छत है वो आप छीन लोगे तो ये कहाँ जाएंगे? आप कोई इनको व्यवस्था नहीं करके दे रहे हो, आप उनके लिए खाली नोटिस पे नोटिस मार दे जा रहे हो और ये बोल रहे ये लोग कौन से साल से यहाँ पे रह रहे हैं? अभी सबसे पथरी बता सकते हैं? ये 1960 से यहाँ पर है, तकरीबन यहाँ पे इनकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी गुजर चुकी है। अब उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि DRM जो है वो दादागिरी बता रहा है नोटिस देके कि आपको बस्ती खाली करना पड़ेगा, तो आपने उनकी व्यवस्था करेगा? पर्याप्त व्यवस्था अगर आपने उनकी कर लिए होंगे तो ठीक है। कुछ आश्वासन मिला है कि यहाँ पे तोड़ से तो दूसरी जगह में आपको जमीन दी जाएगी, ऐसा कुछ आश्वासन मिला है? अभी तक कोई आश्वासन नहीं है, खाली नोटिस है तोड़ने का और कार्रवाई की जाएंगी ये बस बता रहे हैं वो लोग खाली, बाकी कोई आश्वासन अभी कोई किसी भी तरीके से नहीं मिला है। अभी का जो वक्त है बहुत ही यहाँ के लोगों के लिए बहुत परेशानी वाले दौर है, क्योंकि मकान जो है जिंदगी में आदमी एक ही बार बना पाता है और अभी इन मकानों का टूटने का जो नोटिस मिला हुआ है इसमें कितने सब लोग बेचैन हैं, तो आप इनके लिए क्या करना चाहेंगे कि जिनसे ये मकान ना टूटे और इनके घर ना उड़े? जैसे भी देखा जाए तो ये बस्ती को आज यहाँ पर बसे हुए 70 साल के करीब हो चुके हैं और 70 साल करीब होते हुए आज अगर सरकार ये बस्ती तोड़ती है, रेलवे सरकार जो ये बस्ती अगर तोड़ती है तो बेचारे यहाँ हर रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, गरीबी परिस्थिति के लोग हैं, आज इनके घर उजड़ जाएंगे और ये रोड पर आ जाएंगे, पहली बात तो ये है। और मैं राज्य सरकार से एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कुछ समय पहले देवेंद्र जी ने रेलवे मंत्री से बात करके जो जगह जैसे कि इंदिरा नगर, जाट करोड़ी, धर्म नगर, कई बस्तियों को रेलवे द्वारा नोटिस दिए गए थे, उसको देवेंद्र फडणवीस जी ने उस चीज को राज्य सरकार से बात करके, रेलवे मंत्री से बात करके वो झोपड़पट्टी को रुकवाया था जो कि रेलवे के नोटिस थे, वो भी टूटने वाली थी और आज वो झोपड़पट्टी एकदम सही टेप है, ये देवेंद्र जी ने रेलवे मंत्री से बात करके करा था। तो उसी तरह से मैं और उसके अलावा भी 2002 का राज्य सरकार का ये मैसेज है, ये बोली थी राज्य सरकार ने उस टाइम बोला गया था 2002 में कि 2002 के बाद जो भी झोपड़पट्टी रहेगी, जो 70 साल जिसमें जो पूरे हो चुके होंगे या 50-60 साल जिसे हो चुके होंगे तो वो झोपड़पट्टी पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, चाहे वो जगह रेलवे की रहे या कोई या स्लम एरिया रहे, कोई भी रहे, तो उस चीज पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये राज्य सरकार ने बोला था, तो मैं इसी तरीके से मैं निवेदन करता हूँ राज्य सरकार से, देवेंद्र जी से और भी गडकरी साहब से कि इस मुद्दे को आप रेलवे मंत्री तक ले जाए और रेलवे मंत्री तक ले जाकर इस समस्या को, जो गरीब परिस्थिति के जो लोग यहाँ जो लोग रह रहे हैं 70 साल से ये झोपड़पट्टी टूटने से बचाए। आपकी पार्टी ऐसे वक्त में जो गरीब बेचारे परेशान है और आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं, इसके लिए आपकी पार्टी क्या करना चाहती है और इनको क्या सहूलियत देना चाहती है? सबसे पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि जो बड़ी टूटेगा, क्योंकि टूटने से पहले सरकार कहीं बधाई होती है, इसलिए मैं तो सरकार से चाहूंगा, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री हो या महाराष्ट्र की तीन लोगों का काम है कि बस्ती अगर आप तोड़ रहे हैं तो उनको कम से कम पुनर्वसन के नाम पे जो भी मिलता है उनको पुनर्वसन देना चाहिए, ऐसी मैंने उनसे बात की। और आज
आज हमारी लड़ाई है जैसा कि संविधान के तहत है और कांग्रेस को पता है कि भाई जब तक के किसी को आप मकान देते नहीं, आपको मकान उतारने का अधिकार नहीं, तो कैसा है हम संविधानिक तरीके से हम कल संविधान चौक से कलेक्टर ऑफिसर से भेजता रहते हैं। हमारा लगभग 5,000 लोगों का भूमिका है और हम ये कानून से नर्म निवेदन करके कह रहे हैं तो मेहरबानी करके आप ये अत्याचार ना करें। सरकार से कहना चाहता हूँ मैं कि अगर आप इसकी बड़ी बस्ती को उतारेंगे तो लड़ लड़ने का डर है, इसमें बहुत मामला बिगड़ जाएगा, खून बहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग बसे हैं और अपने जी जान से लोग यहाँ पर अपना सब कुछ लगा चुके हैं, अब इनके पास कुछ है नहीं, ये रोज खाते हैं कमाते हैं। तो मैं अपील करूँगा सरकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूँगा कि यहाँ के लोगों को जैसी सुविधा यहाँ पे दिए वैसी सुविधा वो कहीं और दे दें, हम ये बस्ती खाली कर देंगे। मेरे जितने मोमेडियन भाई है हम लोग ने सब ने साथ में दिवाली मनाई है और इतने भरपूर से शानदार तरीके से मनाई है कि जिसकी कोई हद नहीं। ये राखी ईद भी हमने सबने साथ में मनाई है, बहुत चिरखुरमा खाई है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोगों को घर से बेघर किया जाए। हमारे जो प्यार है, हमारी जो मोहब्बत है वो ऐसी कायम चलती है और अगर से वो सरकार अगर से हमारे से घर बेघर करती है तो उनको उनको ये बताने के लिए हमारे जो प्यार मोहब्बत है इसको बेघर ना करे और हमारे से कुछ ये सहारा दे और हमारे से ऐसे लोगों के बीच में हमको रहने की व्यवस्था करे। बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि कोई हालत ना सके यहाँ के लोग बेघर ना हो, इस बारे में अपने किन किन अधिकारियों से मिले हैं और किनसे बात की है? है कि ये भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से जो एक हिटलर शाही फरमान जारी होता है कि आपको ये बस्ती खाली करके जाना है और हम आके तोड़ देंगे, ये ऐसा क्यों लगता है कि हिटलर शाही वाला फरमान है? हिटलर शाही इसलिए लगता है कि अगर लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत अगर एक काम होता तो हमारी बातों को सुनता, DRM SDRM और जो भी है वो हमारी बातों को सुनता, हमारे मसाइल को समझता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ मैंने जो कह दिया वो हो गया, तो ये सिर्फ हिटलर शाही वाली बात है कि मैंने कर दिया हो गया। लोकतांत्रिक देश के अंदर हर किसी को बोलने का सुनने का अधिकार होता है और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हिटलर शाही फरमान है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस गोपीनगर बस्ती को जाने से पहले पुनर्वास किया जाए, इस बस्ती को इनको घर अलाउट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर ये डोबी बस्ती टूटती है तो हम यहाँ की जितनी भी जनता जितने भी घर टूटते हैं तो नागपुर शहर के अंदर जहाँ भी प्रधानमंत्री आवास योजना बन के तैयार है हम उसका ताला दरवाजा तोड़ के उसके अंदर बस जाएंगे और जब तक हमको हमारा घर हमारा हक नहीं मिलेगा हम वहाँ से खाली नहीं करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं संबंधित डिपार्टमेंट और हमारी सरकार को ये बताना चाहूँगा कि हम यहाँ भी इंसान रहते हैं और इनकी भी फिक्र किया जाए। हमारे जो प्रतिनिधि हमने जिसको वोट दिया जो हमारे प्रतिनिधि वो हमारे पास नहीं आ रहे, हम उनके पास जा रहे, उनका कोई ऐसा उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी आश है, फिर भी हमारी कोशिश है कि हमारे खासदार आमदार और हमारे नागपुर शहर के पालक मंत्री डिप्टी CM पंडवी साहब हमसे हमारी बातों को सुनेंगे, हमारे हम भी उनसे गुहार लगा रहे, उस पर अमल कर। आप ये बस्ती वालों के हक में क्या बोलना चाहेंगे जिससे इनको फायदा हो? देखिए ऐसा है कि हम लोग यहाँ 60-70 सालों से रह रहे हैं, हमारी 2-4-5 पीढ़ी यहाँ गुजर रही है और अभी है पिछले 27 तारीख को उन्होंने नोटिस दिया है MLA, तो गैर जिम्मेदारा नोटिस दिया उन्होंने, उनके बड़ा रिवाज दिया है। मैं जुडिशियल हूँ, मैं जज हूँ, मैं की तैयारी कर दूँ, ये बोल के उन्होंने यहाँ पे धमकी लेके दे दिया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और हम चाहते हैं कि पहले उनकी सारी व्यवस्था हो, उसे घर वो मिल जाए तो यहाँ से आसानी से जाएगा ना, मैं कि आएगा तो धमकी देकर तोड़ देंगे और ऐसे चले जाएंगे तो नहीं होता। सबसे पहले आप ये बताइए आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? 70 साल हो गया। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? और जो भी टूटे ना, जो भी टूटे ना, ये चाहते हैं हम बड़ी मशक्कत से बनाए हैं, वहाँ से माटी पाट पाट करके पाते हैं और जो भी टूट जाते हम लोग कहाँ रहेंगे क्या करेंगे? इसे हम इतना ही हम ज़्यादा बोल रहे हैं, चाहते डॉक्टर बशीर मदर का शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, जाने कैसे लोग हैं बस्तियाँ जलाते हैं।